काम को करने के बाद मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं समय पर तुमसे बात कर सकती हूँ। बोलने के बाद एमिली ने टेबल पर अपने हाथ से एक डॉक्यूमेंट रखा, फिर वह आई और राघव का हाथ पकड़ लिया और ये कहते हुए बाहर चली गई। चलो तुमको आगे से आने की जरूरत नहीं है, ये लोमड़ी की चालाकी है, वो बहुत ही तेज तरार है। राघव बीच में फंस गया था और इसने वास्तव में उन दोनों का कोई भी मंसूबा पूरा होने नहीं दिया था। मैं मजाकिया लहजे में मुस्कुराया और केवल इतना ही कह सका, मैनेजर अनु, उनसे मुझे अभी भी कुछ काम के बारे में बात करना बाकी है, मैं पहले काम देख लूं, फिर जब मेरे पास समय होगा तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अनु एमिली के इस बर्ताव से बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वह तेज तेज कदम बढ़ाते हुए दरवाजे तक पहुंची कि उसने देखा कि एमिली ने राघव को दरवाजे से बाहर खींच दिया था। हालांकि वह अपने ऑफिस तक ही रुक गई और वह अचानक मुस्कुराई, उसकी झपकती आंखों में अलग अलग इमोशंस बह रहे थे और उसने खुद से कहा, ये चुड़ैल क्या वे मेरे साथ खुलेआम और सीक्रेट तरीके से लड़ने की कोशिश कर रही है? ठीक है, देखते हैं हम में से कौन इस बाजी में जीतता है, जो भी जीतेगा राघव उसी का होगा, देखते हैं बाजी कौन मार ले जाता है। बाहर निकलने के बाद एमिली ने राघव का हाथ छोड़ दिया। राघव ने एमिली के चेहरे की तरफ देखा तो उसे काफी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। अनुराधा के ऑफिस में अभी जो कुछ भी हुआ उसे एमिली क्या समझेगी, और जाहिर सी बात है कि उसकी इस हरकत को कोई भी गलत ही समझता। यही बातें राघव के दिमाग में चल रही थी। उसने एमिली के चेहरे पर नजर डाली और जान लिया कि उस खूबसूरत सेक्रेटरी ने जरूर उसे गलत ही समझा होगा, लेकिन राघव का उसे कोई स्पष्टीकरण देने का इरादा नहीं था। वैसे भी उसे बस एक साफ नजरिए की जरूरत थी। इसके अलावा कभी कभी ये बात और अधिक गहरी होती जाती है और जितना अधिक तुम समझते हो उतना ही तुम इसे छिपाते हो। राघव ने कुछ नहीं बोला, लेकिन एमिली इसमें कुछ नहीं कर सकी। उसने राघव की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, यहां तुमको पहले दिन ही अनु ने तुमको बहकाया था। राघव अचंभित रह गया और उसने गंभीरता से कहा, एमिली मैं बहकाया नहीं गया हूं, इस मामले में मैं तुमको कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता हूं। एमिली ने राघव की ओर देखा, उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिफ्ट रुकने के बाद एमिली बाहर चली गई और राघव भी उसी समय एमिली का पीछा करते हुए बाहर चला गया। एमिली ने थोड़ा बौहें चढ़ाई और कहा, क्या है राघव, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? एमिली, क्या तुमने नहीं कहा कि अब तुम्हारे पास मेरे साथ अच्छी बातचीत करने का समय है? जब मैंने कहा था तब मैं फुर्सत में थी, लेकिन अब मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं बहुत बिजी हूं। अगर तुम इस तरह से मेरे पीछा होगे तो मैं कैसे काम कर सकती हूँ? राघव एक पल के लिए अवाक रह गया। वो सोच रहा था, इस लड़की ने तो किताब के पन्नों की तेजी से भी ज्यादा तेज अपना रंग बदल लिया। क्या तुम उस चालाक लोमड़ी अनु के फिगर से इंप्रेस नहीं हो? जाओ उसके पास जाओ, एमिली ने फिर कहा। ठीक है, फिर मैं मैनेजर अनु से बात करूंगा, राघव ने कहा। तुम? एमिली का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। उसने राघव को घूर कर देखा और कहा, अच्छा तो फिर बताओ उस चालाक लोमड़ी अनु में इतना अच्छा क्या है? वो पूरी एक लोमड़ी है, उसके पास अट्रैक्टिव बॉडी के अलावा ढेले भर का भी दिमाग नहीं है, पूरे दिन वो बस ऐसे ही मर्दों को लुभाती है। अगर तुम्हें उससे ही बात करनी है तो तुम उसके पास वापस जा सकते हो। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे और बोले तो क्या बोले। मैं उन दोनों ही लड़कियों की बात नहीं समझ पा रहा था। अभी भी एमिली ने पहले उससे कहा कि वह अनु के पास जाए और वह वहां से उसे खींच लाए, और जब दोबारा वहां जाने की बात हो रही है तो वह राघव पर गुस्सा कर रही है। अब तो राघव को भी ऐसा लगने लगा था कि लड़कियों को समझना उसके बस की बात भी नहीं है। लड़कियों का दिल जीतना और उसका मन रखना किसी जंग को जीतने से भी ज्यादा मुश्किल है। बेशक राघव ये भी समझ रहा था कि एमिली के रिएक्शन का मतलब तो वो नहीं था जो वो समझ पा रहा था। उसके मन में जरूर राघव को लेकर कुछ ना कुछ तो बात थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद वह अनु को इतने अच्छे से जानती थी कि वह किस तरह की औरत है और वह क्या क्या कर सकती थी, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि एमिली को अनु से जलन होती थी इसलिए वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके करीब जाए या फिर उससे करीबी रिश्ता बनाए। अपने मन में इस बारे में सोचते हुए राघव के दिमाग में बस यही ख्याल आया कि शायद एमिली मन ही मन अनु को अपना कंप्यूटर मानती थी और वह हर तरीके से उसके आगे रहना चाहती थी। राघव मन ही मन ये सोच रहा था कि शायद उन दोनों की दुश्मनी नई नहीं है, बल्कि ये सब उन दोनों के बीच काफी समय से चलता आ रहा है और जरूर ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई हैं। राघव को तो अब तक यह एहसास हो चुका था कि वो दोनों सिर्फ इस वक्त उसके लिए नहीं लड़ रही हैं, बल्कि पहले भी जरूर बोलो किसी न किसी बात पर ऐसी एक दूसरे से लड़ती होंगी। एमिली ने जब देखा कि अनु ने जानबूझकर या अनजाने में राघव को बहकाया और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की
तो उसके अंदर भी जलन आ गई और उसने जानबूझकर राघव को उससे दूर करने के लिए अपनी तरफ खींच लिया ताकि वह अनु को दिखा सके कि अगर वह राघव से दोस्ती करने की कोशिश कर रही है तो ऐसा करना उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। स्पष्ट रूप से कहें तो एमिली की नजर में राघव उसके लिए अनु के साथ कम्पीट करने के लिए सिर्फ एक सौदेबाजी का मोहरा था और इसका राघव के कम्फर्ट से कोई लेना देना नहीं था। राघव मनी मनी सोच रहा था कि कहीं उस खूबसूरत सेक्रेटरी एमिली को उससे प्यार तो नहीं हो गया, लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एमिली देखने से बहुत खरूश लग रही थी और उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वह मर्दों से कितनी नफरत करती है और वह किसी को भी अपनी नजरों के सामने देखना नहीं चाहती थी। इसीलिए ऐसा हो सकता था कि उसने ऐसा बर्ताव सिर्फ अनु को बुरा महसूस करवाने के लिए किया हो। इस घटना के बाद तो राघव को एमिली की पर्सनैलिटी अच्छे से समझ में आ गई और वह समझ गया कि वह बहुत ही रूड तरीके की औरत थी। उसके अलावा उस दिन ऑफिस में कुछ खास नहीं हुआ। राघव विवेक पांडे और अन्य सुरक्षा गार्डों की ड्यूटी स्थिति का निरीक्षण करने गया और फिर उन्होंने स्टीफन यूनिवर्सिटी वापस जाने से पहले रिधिमा को सूचना दी। राघव ने एक सामान्य योजना भी बनाई, यानी सनटेक ग्रुप के सुरक्षा गार्डों के लिए आने और कुछ ट्रेनिंग आयोजित करने के लिए सप्ताह में एक या दो दिन अलग रखे ताकि उनकी शारीरिक फिटनेस और बुद्धिमता क्षमता को मजबूत किया जा सके। जब रिधिमा ने उसके लिए सुरक्षा विभाग का प्रमुख बनने की व्यवस्था की तो उसने पहले ही कहा था कि उस काम के लिए हर दिन कंपनी में आने की जरूरत नहीं है, जो लगभग एक नाम मात्र के लिए ही था। राघव ने सोचा चूंकि उसने यह पद संभाला है इसलिए उसे इस पद के योग्य होना चाहिए। वह सनटेक ग्रुप की रक्षा को मजबूत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा और साथ ही वह धीरे धीरे सनटेक ग्रुप में कुछ संभावित सुरक्षा खतरों की जांच करेगा। उसके इस प्लान को रातों रात पूरा नहीं किया जा सकता था और इसकी योजना बनाने और पूरा करने में एक निश्चित समय लग सकता था। शाम हो चुकी थी जब राघव स्टीफन यूनिवर्सिटी वापस चला आया। इस समय न्यू ज्वाइनीज के दोपहर का मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हो गई थी और उसे लगा कि उसे इंटरनल ट्रेनर के रूप में उस पद को संभालने में सक्षम होना चाहिए। वैसे भी यशा वापस आ गई थी और उसके लिए अच्छा होगा कि वह तीसरी कंपनी और पहली पंक्ति में लड़कियों का नेतृत्व करना जारी रखे। हालांकि इन कुछ दिनों के मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद राघव को भी तीसरी पंक्ति और पहली पंक्ति की लड़कियों के प्रति एक निश्चित स्नेह विकसित हुआ और वह अचानक इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फाइनल एनालिसिस में येशा उनकी ऑफिशियल ट्रेनर थी। इसीलिए हालात चाहे जो कुछ भी हो या फिर कोई भी बात हो, राघव उन लोगों की ट्रेनिंग बस दूर से देख सकता था और जरूरत पड़ने पर वहां जा सकता था। राघव कोर्टयार्ड में लौट आया, कार रुकवा कर वह अपने कमरे में चला गया। वह सोच रहा था कि येशा को वहां बुलाना है या नहीं। किसी कारण से उसे कल ट्यूनिशिया से आतंकवादी ताकतों के डार्क वर्ल्ड में इंडिया में घुसने की जानकारी मिली। आतंकवादी गतिविधियों की खबरों से उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। येशा द्वारा दी गई खबर से सैन्य विभाग के खुफिया ब्यूरो के बारे में भी खबर पता चली। राघव ने सोचा कि जब तक सैन्य मुख्यालय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा ब्यूरो ने अपनी सुरक्षा तैनात की है, तब तक उसे डार्क वर्ल्ड में आतंकवादियों को घुसने से रोकने में सक्षम होना चाहिए। वह भी सोच ही रहा था कि उसका सेलफोन बज उठा। जब उसने इनकमिंग कॉल देखी तो उसके मुंह पर मुस्कान आ गई। उसने फोन का उत्तर दिया और कहा, हेलो मेजर गौरव। हाँ भाई, ये मैं ही हूँ। मैं अभिलाष, जॉइंट बियर, दिबांग और अन्य भाइयों को देहरादून शहर वापस ले आया हूँ। फोन से मेजर गौरव की आवाज आई। राघव का चेहरा चमक उठा और उसने कहा, मेजर गौरव क्या तुम वापस आ गए? तुम हवाई अड्डे पर कब पहुंचोगे? मैं तुमको वहां से एयरपोर्ट से पिक कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, असल में मैं 2 घंटे पहले आ गया था। मैंने तुमको उस समय नहीं बताया था। अब जब खाना पीना तैयार हो गया तो मैंने तुमको फोन किया। मेजर गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर अब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय है तो मेरी महोगनी प्रोसेसिंग फैक्ट्री में आ जाओ और हम दोनों मिलकर चिल करेंगे और खाएंगे पिएंगे। राघव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वह अपने होश में आया और मुस्कुराते हुए कहा, भाड़ में जाओ, तुम बहुत समय पहले यहाँ आ गए हो। तुमने वापस आने से पहले मुझसे कुछ नहीं कहा, ये तुम्हारा सही तरीका नहीं है। मेजर गौरव के शहर में आने का क्या कोई खास मकसद है? क्या गौरव के पास आने से राघव को मिलेगी उसके काम में मदद? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर कमांडो राघव।